भागलपुर के नवगछिया नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के मधुरापुर बाजार में देर रात्रि करीब 12:30 बजे दो की संख्या में हथियार से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर नगद 10 लाख रुपए लूट लिए। घटना को छत के रास्ते से प्रवेश कर बदमाशों ने अंजाम दिया है। ये घटना तो हुआ है ना, घटना हुआ है और हम लोग उसको खोजबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं। इनके तरफ से अभी FIR नहीं दिया गया है, फिर भी अनुसंधान मेरा जारी हो गया है। इसकी मैम हमको स्पेशलिस्ट काम के लिए भेजी हैं और हमारा टेक्निकल टीम भी आई हुई है, तो हम लोग इसको भरसक प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी उद्भेदित कर दें और कोई भी होगा बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। कितनी राशि घर से ली गई है ये अभी FIR में लिख के देंगे, तभी बता पाएंगे आपको। अच्छा, इसे सर लूट माना जाए, डकैती या चोरी? देखिए, जब अपराधियों की संख्या 5 से अधिक होती है तो डकैती माना जाता है। इनके अनुसार 2 लोग हैं, अंदाज लगाते हैं कि 1-2 लोग और भी बाहर होंगे, तो ये लूट ही है, डकैती नहीं है। पुलिस क्या प्रयास कर रही है अभी के बाद? जो इनके द्वारा बताया गया है उस पर हम लोग काम स्टार्ट कर दिए हैं, टेक्निकली भी और मैनुअली भी, तो जल्द क्रिमिनल को पकड़ेंगे। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के समीप एक बाइक सवार ने गोविंदपुर गांव के जनवितरण प्रणाली दुकानदार रमाकांत मंडल को धक्का मार दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की सहायता से घायल डीलर को पीरपैंती के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। वो ड्रॉप लगाने गया था डीलर, हाँ, जिसका नाम है रमाकांत मंडल, हाँ, वो ड्रॉप ब्लॉक से लगा के, अब वो किसी का फ़ोन आया, वो साइड पे खड़े थे, हाँ, एक बाइक से आया, उसे धक्का मार के वो फरार हो गया, लेकिन बाइक जब्त हो गया है, मतलब पकड़ा गया है, उसको थाना में सब कुछ रिपोर्ट कर दिए हैं, बराबर से सब बात होगी। और उसको क्या किए जब एक्सीडेंट हुआ तो? उसको पहले हम हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल पीरपैंती, वहाँ से रेफर किया भागलपुर, भागलपुर से रेफर कर गए हम सिलीगुड़ी, वहीं मतलब डेथ हो गया, मतलब वहां से फिर रेफर कर दिया मायागंज, जी, तो यहां डेथ कर गई। क्या चीज का लगाने गया था ब्लॉक, क्या चीज के लिए ब्लॉक? ड्रॉप, मतलब वो डीलर है, वो ड्रॉप लगाने के लिए गए थे, मतलब राशन जो मिलता है ना, ड्रॉप लगाने के लिए। ठीक है, हेलो, क्या नाम हुआ आपका? टिंकू कुमार। जो जिनका डेथ हुआ? रमाकांत मंडल। हाँ, रमाकांत मंडल सर। भागलपुर के नवगछिया में कटिहार बरौनी रेलखंड के नवगछिया रेल थाना क्षेत्र के कटरिया स्टेशन के आसपास में पूर्णिया जिला अंतर्गत रुपौली थाना क्षेत्र के रामपुर परिहर गौरीहारी निवासी सुनेलाल मंडल के 21 वर्षीय पुत्र चरणजीत कुमार की मौत मालगाड़ी की चपेट में आने से हो गई है। कल ननिहार, पहले ननिहार में रहता था, 4-5 दिन से पहले ननिहार में था। कहाँ है ननिहाल? सदभा। उसके बाद कल घर गया था। घर कहाँ है? घर रामपुर परिहार गोरीहारी। कहाँ पड़ता है ये? रुपौली थाना में पड़ता है। उसके बाद सवेरे फिर बोला कि हम जाएंगे ननिहारे, तो ननिहारे चल दिया वहाँ से। उसके बाद हम थोड़ा समय देख के फिर बाद में फ़ोन किए ना, तो फ़ोन बाद में लगा, उसके बाद में फ़ोन किए हम अपने सलाह, बोला हम ननिहार जाएंगे, उसको जा कर देख के फ़ोन चाहे लगाओ, वो बोला कि फ़ोन वो नहीं उठाया, हम जाते हैं चौक पर देखने के लिए। उतने टाइम में देखने के लिए आता था, उतने टाइम बोला कि हम एक हादसा हुआ, देख के हम बताते हैं, और गया बस, ये बोला कि आप ही कर रखा है। कहाँ पे हादसा हुआ, क्या हादसा हुआ? स्टेशन पर, हम तो देखे नहीं किए हैं। कहाँ पे हादसा हुआ? इस कटरिया स्टेशन पर। क्या हुआ, वो कैसे हुआ नहीं हुआ, हम तो देखे नहीं किए, हम घर से शाम में एवे किए हैं वहाँ। कहाँ है घर आपका? हमारा घर रामपुर परिहर गोरीहारी। क्या नाम हुआ आपका? सोनेलाल मंडल। आपका कौन लगता है? हमारा लड़का है। क्या नाम है? चरणजीत कुमार। क्या? चरणजीत कुमार। उसका आपका सलाह क्या बताया? विशारी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा लालूचक भट्टा रोड स्थित कार्यालय में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मंजूषा कला के विकास और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की कोशिश पर चर्चा हुई। इस दौरान मंजूषा कला संयोजक प्रदीप कुमार ने कहा कि हेल्दी इंडिया मिशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित आयुर्वेद के लिए काम करने वाली संस्था ने 500 मंजूषा मास्क और 50 मंजूषा सिल्क चादर की मांग की है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। मनसा विषहरी महरौनी केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा यह 2 दिन का उन्मुखीकरण कार्यक्रम
एक बहु प्रशिक्षित कंपनी जो आयुर्वेद कर पर काम करती है हेल्दी इंडिया मिशन पर, तो मंजूषा कला अंग क्षेत्र की कला को बढ़ाने के लिए गुजरात की यह कंपनी है। इनके सीएमडी हैं डॉक्टर दिनेश कच्छा सर, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उनको ये भाग गया और उन यहाँ के जो इस क्षेत्र के जो इंचार्ज हैं मंसूर आलम जी के द्वारा और ये सोने परिहार के द्वारा ये डिमांड किया गया कि यहाँ की कला को लोकल फॉर वोकल के तर्ज पर हम आत्मनिर्भर मंजूषा कला में मंजूषा मास्क बने, मंजूषा गमछा बने, मंजूषा शॉल बने और कुछ साड़ी का भी डिमांड हुआ है। सामने देख रहे हैं कि ये साड़ी मंजूषा साड़ी बनी हुई है। तो ये कला का कार्यक्रम जो है दीघा कलकत्ता में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो 10-11-12 को जो जिसमें देश स्तर के लोग आएंगे और चिर परिचित लोग आएंगे और बेनमून। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान डीडीसी सुनील कुमार, डीआरडीए डायरेक्टर प्रमोद पांडे, एडीएम राजेश धार राजा सहित जिले के सभी वीडियो और अंचलाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीएम ने मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा सहित जिले में चल रहे सभी विकास योजनाओं की समीक्षा की और इसमें तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में डीएम कार्यालय के समीप एक्ट 2 के बैनर तले ई रिक्शा चालकों ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि ई रिक्शा चालकों को पुलिस द्वारा तंग किया जाता है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा अब तक ई रिक्शा चालकों के लिए ना तो स्टैंड की व्यवस्था की गई है। पर बैठने वाले सभी लोग ई रिक्शा चालक हैं और शहर में जब ये लोग ई रिक्शा चलाते हैं तो पुलिस द्वारा इन पर लाठी बरसाया जाता है, इसके ई रिक्शा के बॉडी पर लाठी ठोका जाता है, गंदी गंदी गालियां दी जाती है। अब शहर में अगर व्यवस्था नहीं है निश्चित पड़ाव की तो इसमें ई रिक्शा चालकों की कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए ई रिक्शा चालकों को क्यों गाली सुनना पड़ता है। बहुत सारे लोग जुगाड़ गाड़ी चलाते थे, सरकार ने जुगाड़ बंद कर दिया, कई साथियों ने जो है जुगाड़ बेच करके ई रिक्शा खरीद लिया, अब ई रिक्शा पर भी जो है पुलिस द्वारा लाठी ठोका जा रहा, उसके सुरक्षा और सम्मान पर किसी भी समय हमला कर दिया जाता है। जैसे लगता है कि वो लोग ई रिक्शा चला रहा है तो कोई आदमी नहीं है, उसकी कोई अपनी इज्जत नहीं है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर डीएम साहब के सामने धरना इसी मांग को लेकर के दिया है कि ये जो पुलिस द्वारा ई रिक्शा चालकों के साथ अत्याचार किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है और इस लाठी चलाने के। भागलपुर पुलिस ने दो अलग अलग मामलों का उद्भेदन करते हुए 6 अपराधियों को हथियार, जिंदा कारतूस, गोली का खोखा, मोबाइल और लूटे गए 1750 रुपये नगद के साथ धर दबोचा। भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि पीरपैंती थाना क्षेत्र के लकड़ाकोल में जमीनी विवाद में 15 वर्षीय दीपक यादव की हत्या उसके पड़ोसियों के द्वारा ही कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता के द्वारा 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। पीरपैंती थाना अंतर्गत दो पक्षों के बीच में जमीन को लेकर के विवाद चला रहा था और इसको लेकर के वहाँ पे पंचायती वगैरह भी की गई थी या की जा रही थी, परंतु दोनों पक्षों के बीच में एक दूसरे मतलब जो पंचायती है उसको मतलब नहीं माना जा रहा था और इसको लेकर के विवाद हुआ और फायरिंग की घटना दोनों पक्षों के तरफ से प्रति होने की बात बताई गई है। इसी फायरिंग के क्रम में एक लगभग 15 साल का बालक जिसका नाम दीपक कुमार यादव है उसको गोली लगी और वो जख्मी हुआ और उसको JLNMCH भागलपुर इलाज के लिए लाया गया, परंतु इलाज के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गई और घटना के बाद सभी जो अभियुक्त थे वो फरार हो गए। परंतु उसमें से जब आवेदन प्राप्त हुआ जो फर्द बयान उसके द्वारा दिया गया वादी के द्वारा, उसके आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है भीम यादव, विजय यादव और रामजी यादव।
ये सभी तीनों लकड़ाकोल के रहने वाले हैं, पीरपैंती थाना क्षेत्र के, और उनकी त्वरित गिरफ्तारी की गई है। इसमें अन्य जो भी अपराधी हैं उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी